ट्रेन को कौन लाया जाएगा, तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको सीधे अभी लिए चलते हैं प्रतापगढ़, वहां पर मौजूदगी है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, सुनिए। आंवला खाते समय भले ही कसेला होता है लेकिन हर प्रकार से उपयोगी होता है और यही प्रतापगढ़ की पहचान भी है और इसीलिए लोगों ने तो ये मान लिया कि एक प्रतापगढ़ा, एक सौ पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ा। यानी लोगों के देश के अंदर कहीं भी जाएंगे लोग मान लेते हैं कि अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमता से जो व्यक्ति नया दे दे तो कहीं ना कहीं वो प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ है। और आज हम लोग जन विश्वास यात्रा की सभा में प्रतापगढ़ जनपद में हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं आपके उन पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूं जिन्होंने प्रतापगढ़ को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि तो महत्वपूर्ण बनाया ही लेकिन जिन्होंने आंवले के खेती के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ जनपद को एक नई पहचान दी थी। और हमारी सरकार ने आंवले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद के साथ जोड़ते हुए पूरे प्रतापगढ़ की पहचान को दुनिया के मंच पर ले जाने, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन करने और अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित हो, यहां पर खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हो, इसके लिए एक बृहद योजना को आगे बढ़ाया है। पिछले 20 महीनों से पूरी दुनिया तबाह है कोरोना से और कोरोना ने प्रधानमंत्री जी का मंत्र था जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है और हम लोगों ने उसी दिशा में प्रयास किया है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और आपने प्रतापगढ़ जनपद में जो पहचान दी है इसको देश और दुनिया के सामने लाना, ये मंच पर हमारे मंत्री और विधायकगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, ये सभी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आएंगे। भाइयों बहनों, आज यहां पर 554 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंच पर आने के पहले हम लोगों ने किया। ये 554 करोड़ रुपए सामान्य नहीं होते, एक बड़ी राशि। विगत वर्ष हम लोग आए थे प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज का, उससे पहले हम लोगों ने शिलान्यास किया था। प्रतापगढ़ में कोई सोचता था कि मेडिकल कॉलेज होगा लेकिन आज प्रतापगढ़ का अपना मेडिकल कॉलेज है।